गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम हैं पोरबंदर और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हुजूर पैलेस। जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है हुजूर पैलेस, जो कि पीछे समुंदर है और समुंदर के किनारे ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ये हिस्टोरिकल ये हुजूर पैलेस है। वैसे तो यहाँ शूटिंग करने के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ सर से रिक्वेस्ट की और फाइनली हमें यहाँ शूटिंग के लिए परवानगी दे दी। तो अभी आपको इस पैलेस की, इस हुजूर पैलेस की पूरी डिटेल और यहाँ के जो महाराजा थे उनके बारे में हम जानते हैं। ये हुजूर पैलेस गुजरात राज्य के पोरबंदर ज़िले में अरब समुद्र के किनारे पर स्थित है और ये पैलेस यहाँ के अंतिम महाराजा नटवरसिंह जी, भावसिंह जी द्वारा 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ये बनाया गया था और ज़्यादातर इसमें यूरोपियन शैली का यूज़ किया गया है। ज़्यादातर आपको यूरोपियन शैली के ये स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा, सुंदर, लाजवाब ये महल है। और इस तरफ है समुद्र किनारा और किनारे के नज़दीकी ये हुजूर पैलेस है। टाइम गवाए इस पैलेस का पहला बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक शॉट आपको दिखाता हूँ और बाद में यहाँ के जो महाराजा थे और इस पैलेस के बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले चलिए सफ़र शुरू करते हैं इस हुजूर पैलेस की। Thank you.
बात करें यहाँ के महाराजा की, तो यहाँ के महाराजा लेफ्टिनेंट कर्नल नटवरसिंह जी, भावसिंह जी, बहादुर साहब, जो कि जेठवा राजवंश के अंतिम महाराजा थे, जो कि 26 जनवरी 1920 पर यहाँ पर गादी में आए थे और यहाँ पर उनका शासन की शुरुआत हुई थी। महाराजा नटवरसिंह जी, भावसिंह जी राजकोट की प्रिंसेस कॉलेज में, राजकुमार कॉलेज में पढ़े थे और ऑल इंडिया प्रिंसेस डिप्लोमा कॉलेज में फर्स्ट रैंकर पर आए थे। अगर हम बात करें महाराजा नटवरसिंह जी, भावसिंह जी के बारे में, तो वो बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी भी थे और जब इंडिया और इंग्लैंड की जब टेस्ट चल रही थी तब वो इंग्लैंड के दौरे पर थे और वहाँ का पूरा नेतृत्व भी किया था। और भारत की आज़ादी के बाद 15 फरवरी 1948 को महाराजा ने पूरा अपना स्टेट और ये सब पैलेस और अपना पूरा राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ काठियावाड़ी को समर्पित कर दिया था। नटवरसिंह जी महाराज बहुत अच्छे चित्रकार, लेखक और संगीतकार भी थे, जैसे कि फ्रॉम द फ्लो ऑफ लाइफ, अंतर्राष्ट्रीय एकता जैसी रचनाएं की थी और महाराजा को बहुत सारे सम्मान और पदवी भी मिली थी, जैसे कि दिल्ली दरबार गोल्ड मेडल, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया जैसे बहुत सारे महाराजा को सम्मान मिले थे। और यहाँ आकर इस पैलेस का व्यू, यहाँ की जो यूरोपियन शैली में ये पूरा पैलेस बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया अच्छा नज़ारा है यहाँ का, जो कि बहुत ही शानदार ये पैलेस है। और मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ जो यहाँ के जो एडमिन सर है उनसे, जिन्होंने हमें परमिशन दी ये शूट के लिए। तो इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, अगर आपको ये व्यू और यहाँ के इस महल की बातें और यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा नटवरसिंह जी, भावसिंह जी, उनके बारे में ये व्लॉग आपको पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसका नाम है डायरेक्शन महल। तो अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो इसी के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा ट्रैवलिंग करते रहिए और अपने अच्छे अच्छे नए नए एक्सपीरियंस सबको शेयर करते रहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।